त्याय हैं उन अकाल सुखे ने जश्न बार में सहित सभी जगह की जो राजधानी है उनको जितनी कठिन जिंदगी बिताई उन्होंने अपने जीवन में हमारे पूर्वज से उन्होंने उतने वो मजबूत हुए शरीर से भी सोच से भी व्यवहार से भी और इसीलिए उन्होंने अपना गांव छोड़ के कारोबार करने के लिए जाना उचित समझा। तो मामूली बात नहीं होती अपने घर छोड़े कहीं जाए आदमी बड़ी रिस्क होती है जिंदगी में फूली और उसी कारण से आज ये शुभ दिन आता है दो चांद एक बार शारीरिक जनसंघ वाले सबको बुलाते हैं और आप करते से मिलन भी होता है। मेरी खुशी है कि राजस्थान सरकार हमेशा ऐसे जो प्रवासी है उनकी भावनाओं का आदर करती है। मुझे याद है जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो भाई 3 साल पहले तब मैंने इंटरनेशनली राजधानी कॉन्फ्रेंस किया उसमें देश और विदेश से जितने राजधानी है उनको बुलाया गया था। हो सकता है आप मेरे पिछले आए हो उसका मकसद ही था जो आपका मकसद है शारीरिक जैन संगम मकसद है वही मकसद मेरा था कि कम से कम जो प्रवासी है हमारे वहाँ राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है देश के अंदर जिसके प्रवासियों ने हर राज्य में अपनी पताका फहराई है वहाँ रहे हैं वहाँ की इकोनॉमी में भाग लिया है चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों चाहे बंगाल हो तमिलनाडु हो कर्नाटका हो बॉम्बे हो आंध्र प्रदेश सब जगह पर। तो मैंने प्रयास किया पहली बार और बहुत ही कामयाब रहा उसके अंदर सब लोग आए सब जो अपने मायने रखते थे छोटे बड़े व्यापारी भी बड़े उद्योगपति भी वो सब आए थे राजस्थान फाउंडेशन बनाया काम जुड़े रहते थे दुनिया के लोगों से। तो ये परंपरा जो आपकी है उसमें बहुत प्रभावित हूँ इसलिए मैंने आना स्वीकार किया कि जैन संघ साधड़ी एक छोटी जगह है।